अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। जरा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत नामवर बैंक, बैंक अल हबीब लिमिटेड। मुझे भी किसी बैंक अल हबीब के बंदों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि हमारी जो ब्रांचेज है वो 700-800 क्रॉस कर चुकी है, मतलब इतना बड़ा बैंक अल हबीब बन चुका है जिसकी ब्रांचेज जो है वो 700-800 क्रॉस कर चुकी है। और प्लस आपने देखा होगा कि बैंक अल हबीब की जगह जगह पर सब ब्रांचेज भी, मतलब एक ब्रांच है उसके बाद करीबी कोई दूसरी ब्रांच है तो उन्होंने नए ब्रांच का नाम नहीं दिया उसको, उसकी सब ब्रांच को दिया। तो अगर सब ब्रांच को भी ऐड करें तो शायद ये 900 और 1000 को भी क्रॉस कर जाए। तो किसी बैंक की अगर 900-1000 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में तो वो कोई छोटा मोटा बैंक नहीं होगा, बहुत बड़ा बैंक होता है वो, ठीक है। और स्पेशली मैं बात करूं कराची में, तो कराची में तो आपको हर मोहल्ले और गले में आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेस मिल जाएंगी। बहरहाल बैंक अल हबीब से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, बहुत ही जबरदस्त अकाउंट है ये, ठीक है, मुनाफा भी बहुत शानदार है। और हम ये कोशिश करेंगे आज की वीडियो पे इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मुतालिक भी आप लोगों को अपडेट करें कि प्रॉफिट तो आपको अच्छा मिलेगा ही, ठीक है, इस पे मजीद कंपाउंड प्रॉफिट बनता हो या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता हो तो वो क्या बनेगा, उस पे प्रॉफिट क्या बनेगा। मतलब एक तो करंट प्रॉफिट आपको जो मिल रहा है लेकिन प्रॉफिट को अगर आप यूटिलाइज ना करें, प्रॉफिट को ना निकालें, तो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बन सकता है उसके ऊपर, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि लोग अब जो है वो प्रॉफिट के बारे में प्रॉफिट से ज्यादा पूछते कंपाउंड प्रॉफिट का, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, कि भाई ठीक है प्रॉफिट अच्छा है तो क्या इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो जरा इस पे आज हम डिटेल्स में इस वीडियो पे बात करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिए कंप्लीट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ जनाब, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आज की हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब, बैंक का नाम बता चुका हूं मैं, और ये प्रोडक्ट है इनकी सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, बैंक अल हबीब की प्रोडक्ट है सीनियर सिटीजन अकाउंट। इसमें देखते हैं सीनियर सिटीजन से रिलेटेड बैंक अल हबीब ने हमें क्या बताया है, अपनी वेबसाइट पे क्या अपडेट किया, कस्टमर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये ग्रोइंग ओल्ड अर्न्स स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब जो पुराने शहरी मतलब ओल्ड सीनियर सिटीजन है उनके लिए बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा क्या है, अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट एक्सटेंड स्पेशल बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल्स एज 60 इयर्स एंड अबव, वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा, बैंक अल हबीब उनके लिए बहुत ही स्पेशल अकाउंट लेकर आया उनके पास जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है। फॉर ज्वाइंट अकाउंट्स एटलीस्ट वन अकाउंट होल्डर शुड बी 60 ईयर और अबव। देखिए मैं बताता हूँ क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि बैंक अल हबीब जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही शानदार एक अकाउंट लेकर आया है, और अगर कोई शख्स ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाना चाहता है तो दो बंदा जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है वो दोनों भी ज्वाइंटली खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बंदा 60 साल या 60 साल से ज्यादा है, दूसरा 60 साल से कम है तो भी खुलवा सकते हैं, मतलब एक की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए, ठीक है, या 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की उम्र भरे से 18 19 20 21 22 23 25 कुछ भी हो, लेकिन एक 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो तो उसका ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। इसमें होगा ये कि जो पहला कस्टमर होगा उसका नाम वो सीनियर सिटीजन होगा, मतलब उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा होगी, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा कस्टमर जो है वो किसी भी एज का हो सकता है और ये सीनियर सिटीजन अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। अच्छा, प्रॉफिट रेट इन्होंने याद किया 20.75% जो है वो इस पे प्रॉफिट मिल रहा है, 20.75% तकरीबन 21% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 1,21,000 रुपए सालाना मुनाफा, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि हर महीने मुनाफा क्या मिलेगा बनेगा और इसमें कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट रेट आपको पता चल गया 20.75% ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फॉर्म इतना द रेट्स ऑफ करंट एंड सब्जेक्ट चेंज, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि रेट जो है वो करंटली तो ये है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। ऑल कंडीशन ज़कात है और सेव, ठीक है, ज़कात और वो भी। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट रेट आप लोगों ने देख लिया,
कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 20.75% है। अच्छा, ज़कात हो गया। अच्छा, टैक्स की बात कर लूँ मैं, डिटेल्स में आपको टैक्स भी बता देता हूँ, डिटेल्स में नहीं शॉर्ट में बता देता हूँ कि टैक्स के हवाले से ज़कात हो गया, ये विथहोल्डिंग टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तीन टाइप्स के टैक्स लगते हैं सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। पहला ज़कात है, तो ज़कात से आप किस तरह बच सकते हैं? ज़कात के लिए अंडरटेकिंग CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं लगेगा। विथहोल्डिंग टैक्स भी लगने लगा था, विथहोल्डिंग टैक्स किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे, अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है, कैश की कंडीशन है, कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा, तो उस पर टैक्स लग जाएगा विथहोल्डिंग टैक्स 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स से बचे नन फाइलर, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, ये कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक से, पे ऑर्डर से, डिमांड ड्राफ्ट से ट्रांजेक्शन करें, तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स तो हर बंदे पे, इस पे तो कोई छूट है ही नहीं, फाइलर 15% बढ़ेगा और नन फाइलर 30% बनेगा, ठीक है। तो अभी हम टैक्स की बात करेंगे, तो आप लोगों को बताएंगे टैक्स काटने के बाद, चाहे वो फाइलर का 15% हो, नेट फाइलर का 30% हो, नेट प्रॉफिट क्या बनेगा और कंपाउंड प्रॉफिट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनता है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मजीद डिटेल्स क्या मिलती है हमें? नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, अप टू 90% फाइनेंसिंग अवेलेबल ऑन डिपॉजिट, मतलब ये अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके अगेंस्ट आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 90% तक डिपॉजिट जो है, उस आपका जो डिपॉजिट है उस पर जो भी 90% बटा वहां तक का लोन आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है जनाब? फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, हर महीने का जो एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। फ्री बैंकर्स चेक है, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट मंथली बेसिस, बड़ा ही जबरदस्त, हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल्स, मतलब जितना चाहे डिपॉजिट करें, जितना चाहे निकालें, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे हो, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बने, ठीक है। अच्छा, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट देख चुके हैं, 20.75% तक 21% का प्रॉफिट है, 1 साल में 1 लाख में 21,000 रुपए का मुनाफा। फ्री ई स्टेटमेंट, ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, ये भी जबरदस्त है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी आपको मिलेगी। SMS अलर्ट फैसिलिटी, हर ट्रांजेक्शन के SMS अलर्ट मिलेगा आप लोगों को। फ्री अलाबी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, ये भी फ्री है आप लोगों को। प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, सारी डिटेल्स हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब देखते हैं हम इसकी पर मंथ, क्योंकि प्रॉफिट आपको हर महीने के हिसाब से मिलेगा, पर मंथ प्रॉफिट क्या मिलता है और टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या मिलता है, क्योंकि फाइलर पर 15% टैक्स है, नॉन फाइलर पर 30% है। ज़कात और विथहोल्डिंग टैक्स से हम बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स से नहीं बच सकते, ठीक है। तो जनाब बात कर ले, अच्छा इसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो आपका बन रहा है, रेट है 20.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,750 रुपए, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,729 रुपए। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, स्क्रीन पे दिख भी रहा भी होगा आप लोगों, और 15% की अमाउंट बढ़ी 259 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,470 रुपए का हर महीने प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा तमाम टैक्सेस काटने के बाद, ठीक है। बात कर लेते हैं अब नन फाइलर की। तो जनाब नन फाइलर रेट वही 20.75%, मंथली प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपए, ठीक है, सॉरी साल आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपए, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,729 रुपए। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 519 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,210 रुपए के हिसाब से हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा अगर आप नन फाइलर है, ठीक है। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, लेकिन हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम इसमें बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, वो क्या हो सकता है। जनाब 22.75% इसका बन रहा है तकरीबन, 22.75%, ठीक है। अच्छा देखिए, कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट 19-20 का फर्क है, दोनों के फार्मूले चेंज है जो बैंक उस पर लगा रही होती है। कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो ये है जनाब कि प्रॉफिट को एक मखसूस टाइम तक अगर आप ना निकालें तो उस पर कंपाउंड प्रॉफिट लग जाता है, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कुछ ऐसे ही जनाब, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहां पे तो कंपाउंड प्रॉफिट की कोई बात बैंगल अभी ने की नहीं की, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बैंगल को देना पड़ता है इस पे, ठीक है।
होता क्या जनाब कि अगर आप साल भर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में रखवाया है और पूरे साल जो है आप ना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए ना अकाउंट से निकाले और हर महीने 10 लाख पे प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन जो है वो 1400-1500 रुपए 1500-1600 रुपए हर महीने आ रहा है 15-16 हज़ार रुपए हर महीने आ रहा होगा, तो वो भी आप अकाउंट में रहने दे तो देखेंगे आप 1 साल के बाद जो है वो प्रॉफिट आपको 20.75% के हिसाब से नहीं बल्कि 22.75% के हिसाब से मिलेगा। मतलब होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए रखा है, पहले महीने प्रॉफिट आया उसका 16 हज़ार रुपए, ठीक है, आपने वो अकाउंट में रहने दिया, ठीक है, अगले महीने क्या होगा प्रॉफिट आपके 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने 16 हज़ार रुपए आया था प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 2-3 महीने 6 महीने बाद क्या होगा जनाब आपका हर महीने प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, ठीक है, हर महीने, तो होगा क्या 5-6 महीने बाद जो 16-17 हज़ार रुपए जो हर महीने प्रॉफिट आ रहा था वो आपका बढ़ बढ़ के 1 लाख और 1.25 लाख रुपए क्रॉस हो गया और 6-7 महीने में क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट 1 लाख पे नहीं आ रहा, 10 लाख पे नहीं आ रहा बल्कि 11 लाख और 11.25 लाख पे प्रॉफिट आ रहा होगा। और 1 साल बाद जो है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने 10 लाख रुपए रखवाया था 1 साल बाद वो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जब आप इस तरह करेंगे पूरा साल भर ना आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही आप जो है अपना प्रॉफिट निकलवाएंगे तो प्रॉफिट आपको 20.75% के हिसाब से नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा 22.75% के हिसाब से। इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपका आपके अपने ऊपर है कि आप मंथली प्रॉफिट निकलवा लें या फिर मंथली प्रॉफिट उसको रहने दें ताकि उस पर भी आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका प्रॉफिट बनना है तकरीबन 22.75%, साल का प्रॉफिट बनेगा 22,725 रुपये, ठीक है, 750 रुपये, 22,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना है 1,896 रुपये, ठीक है। अगर आप नेट वाले हैं तो 15% टैक्स लेगा जिसकी अमाउंट बन रही 284 रुपये और टैक्स काटने बाद 1,16,11 रुपये का मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जनाब नेट फायलर की, तो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 22,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपये। अगर आप नेट फायलर तो 30% टैक्स काटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 529 रुपये और टैक्स काटने बाद 1 लाख पर हर महीने का जो प्रॉफिट आपका बनेगा वो 1,327 रुपये का पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें फायलर की बात करूँ मैं तो 1,611 रुपये का 1,611 रुपये का हर महीने प्रॉफिट बन रहा है आपका 1 लाख रुपए पे, ठीक है, 1,600 रुपए। वुड यू बिलीव दैट अगर हम बहबूज सेविंग की बात करें तो उसके पे का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1,340 रुपए मंथली बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है 1,611 रुपए, तकरीबन 250-300 रुपए ज्यादा, ठीक है जनाब। तो मैं तो अपने पर्सनली सजेशन आप लोगों को यू दूंगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें पूरे 1 साल के लिए करें, वैसे भी किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे पैसे निकाल तो सकते नहीं, पूरे साल भर के बाद आप कैलकुलेशन बनाते हैं कि इस महीने इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ उसके अगले महीने इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसके अगले महीने प्रॉफिट ही नहीं हुआ उसके अगले महीने लॉस हो गया उसके अगले महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, पूरे साल की कैलकुलेशन बनाते हैं फिर उसको 12 से डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं हर महीने कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही कुछ करना है ताकि आप 1,611 रुपये मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सके जनाब। तो ये थी आज की हमारे वीडियो बैंक अलबीब की जो की प्रोडक्ट है जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार मुनाफा है इसका। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।